do they charge? Because of the ball. Oh, when lunchtime. I got 10 out of 10 on my spelling. Can I come to your class? No, because you are too young, but when you will be bigger, then you can come. You know, I had lots of fun today, and today was my red nose day. Mama, abhi mera bhi red nose day happened. Mere paas nahi hai. Oh, look, here's my nose. Let me put it. Hello. Okay. It's a bit hard to breathe, but I like it. I had a chicken nugget burger today for lunch. What did you have for lunch? You had biryani? Yeah. Oh, yummy. I love biryani. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। मैंने आधा किलो गोश्त और आधा किलो टमाटर और तीन प्याज के साथ प्रेशर दे दिया था इसको, और हल्के मसाले डाले थे, हाफ ऑफ टी स्पून जो रोज़मर्रा के मसाले होते हैं, लाल मिर्चें, नमक, हल्दी और कुटा हुआ धनिया, अदरक लहसुन के साथ मैंने इसको प्रेशर दिया है गोश्त को 5 मिनट का। और अब मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिया है। जितनी देर में इसका पानी ड्राई होगा, मैं इसका कढ़ाई मसाला जो बनाना होता है वो मैं बना लूँगी, और मीन वाली इसका पानी ड्राई होता रहेगा। यहाँ पे जी मैं अपना कढ़ाई मसाला बनाने लगी हूँ। मैंने ये वाला जो मैंने कंटेनर रखा हुआ है, इसमें मैंने सारे भुने हुए मसाले रखे हुए हैं। बस ये कश्मीरी लाल मिर्च में 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। बाकी ये सारे जो है मेरे कढ़ाई मसालों का ही कंटेनर है। तो इसमें मैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दूंगी अपना 1 टीस्पून, और साथ में मैं डाल रही हूँ भुना हुआ क्रश्ड कोरिएंडर, धनिया जो है सूखा धनिया जो होता है वो 1 टीस्पून, और कसूरी मेथी मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून। इसके अलावा भी मैं जो रोज़मर्रा के मसाले वो भी इसके अंदर मिक्स करूँगी। ज़रा चटपटी सी मटन कढ़ाई बने तो उसका मज़ा ही अलग है। और ये जी मैं कुटी हुई क्रश्ड काली मिर्चें डाल दूँगी इधर, और इसके अलावा जो रोज़मर्रा के हमारे मसाले होते हैं वो मैं डालती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का ये अपने घर का हमारा फ्रेश कढ़ाई मसाला बन जाता है, और बड़ा ही ज़्यादा रेसिपी में इसमें एक चेंज आता है जब आप ये मसाला इसके ऊपर आप भूनते हुए मैं डालूँगी, जिस वक्त मैं ऑयल डाल के मसाले को गोश्त को भूनूँगी। यहाँ पे जी मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डालती हूँ, क्योंकि 1/2 टीस्पून ऑलरेडी मैं पहले गोश्त को स्टीम देते हुए डाल चुकी हुई हूँ। और ये क्रश्ड कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये भी मैं 1 टीस्पून डालूँगी। ये कढ़ाई गोश हमारे घर की समझ ले फेमस और हिट रेसिपी है, और पूरे ही हमारे घर को सबको ही ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं बनाती हूँ माशाल्लाह से ये फौरन ही समझ लें चट हो जाती है, इतने मज़े की बनती है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से बॉल में सारे मसालों को मिक्स कर रही हूँ, और वहाँ मैंने कढ़ाई में अपना गोश्त रखा हुआ है, उसका मैं पानी ड्राई होने का कर रही हूँ। पानी ज़रूर ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है ना वो जायका नहीं आता अगर आप पानी के बीच में ये मसाला डाल दें। मैं यहाँ पे कढ़ाई में अच्छे तरीके से इसका पानी ड्राई, यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कि इसका पानी सूख जाए, और फिर मैं इसके अंदर ऑयल डाल के गोश्त को भूनूंगी। और जो जो खड़े प्याज और टमाटर हैं उसको मैं डोई की मदद से प्रेस की जा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर जो है अपना अच्छे से पहले चेक कर लूँगी कि पानी बिल्कुल सूख गया है, और फिर मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। क्या मैं इसको कवर करके कुक करूँगी। यहाँ पे देखें जी तेल ऊपर आ गया है, और कढ़ाई गोश्त मसाला मेरा रेडी हो गया है, और अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूँगी हरे धनिए की, हरी मिर्चों की, और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
यहाँ पे बस मैंने गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया था आखिर में, और अब मैं इसको कढ़ाई में निकाल रही हूँ। बेसिकली आजकल तो मैं रमज़ान की रेसिपीज़ पे ही फोकस किया हुआ है, वही चीज़ें तैयार करके मैं तैयारियाँ कर रही हूँ, पहले से प्रिपेशंस करके उनको फीस्ट कर रही हूँ। आजकल बस माइंड में यही चल रहा है कि जितनी क्विक रेसिपीज़ मैं बना के फ्रीज कर सकती हूँ वो मैं फ्रीज़ कर लूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बना लूँ, क्योंकि फिर बंदा थक बहुत जाता है और फिर हिम्मत नहीं रहती खाना बनाने की। तो बस यहाँ पे मेरी कढ़ाई गोश्त बिल्कुल रेडी है, आपको मैं इसकी प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ। और उसके बाद वही जो हम आजकल सब लेडीज़ का चल रहा है कि हम रमज़ान की तैयारियाँ अपनी हमने लगे हुए सब बनाने में, तो मेरे घर भी यही चल रहा है, मेरी सिस्टर्स के घर में भी यही सब कुछ चल रहा है। वो लोग भी माशाल्लाह मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना के फ्रीस्ट कर रही हैं। और पाकिस्तान में तो खैर रमज़ान में बहुत गर्मी होती है, तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही बना के फ्रीस्ट कर लें, यही बेहतर है हम सब लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों ने जैसे देखा कि मैं क्विक सेवैयाँ बना रही हूँ। इस तरह की चीज़ें मैं घर में रखती हूँ, क्योंकि समटाइम जब आपको बहुत सारे काम करने हो तो और दिल भी चाह रहा हो कि कुछ मीठा बनाएं, तो बेस्ट होता है कि इस तरह की चीज़ें आप घर में रखें और क्विक जो है रेसिपीज़ आपकी रेडी हो जाती हैं। तो बस ये मैं अपने हस्बैंड और अपने लिए ही बस टू पोर्शन की ही सेवैयाँ बना रही हूँ। बच्चे तो मेरे ये सेवैयाँ इतने शौक से नहीं खाते। तो मैंने समोसे बनाने हैं आज, डिफरेंट शेप्स के मैं समोसे बनाऊंगी, आलू के और मटर और कॉर्नस डाल के। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ये सेवैयाँ चढ़ा देती हूँ और इसको हल्की आंच पे रख दूंगी, ये पकती रहेंगी, और फिर मैं समोसों की मीनवाइल डो तैयार कर लूंगी। तो बस ये अच्छा होता है कि आपके घर में इस तरह की क्विक चीज़ें हों। तो समटाइम ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तीन चार काम इकट्ठे आपको करने होते हैं, तो और साथ में दिल भी कर रहा होता है कि नहीं जी मीठा खाना है आज, दिल कर रहा है, तो फिर इस तरह के डब्बे जो हैं आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और बहुत मज़े की सेवैयाँ बनी थी, सिंपल। इसके अंदर ये कि चीनी वगैरह हर चीज़ रेडी टू गो होती है, आपको अलग से चीनी या बादाम अखरोट वगैरह तोड़ने की काटने की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस डाल दो और ये रेडी हो जाए। ये बस मैंने मेरी यहाँ पे देखे सेवैयाँ रेडी हो गई हैं, तो बस मैंने अपने हस्बैंड और अपने लिए ये निकाल के बॉल्स रख दिए हैं, और इसमें मैं डाल के इनको फ्रिज में रख दूँगी, और फिर रात में हम इंशाल्लाह खाने के बाद इसको इंजॉय करेंगे। तो बस देखिए जी, मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ अपनी सेवैयों को, और इसके बाद जो है मैंने, क्योंकि एक लेंथी रेसिपी में हाथ डाल देना है तो फिर ये वाले काम आप नहीं कर सकते, बिकॉज समोसे इट्सेल्फ बहुत टाइम लेते हैं और आपको एटलीस्ट एक घंटा तो किचन में खड़े रहना पड़ता ही है समोसों के लिए, तो क्योंकि उनकी शेप देने में ही बड़ा टाइम लग जाता है। तो बस सेवैयों से मैं फारिग हुई, इनको मैंने फ्रिज में रखा, और यहाँ पर जी मैंने अब समोसों की डो स्टार्ट कर दी है। 2 कप मैंने मैदा लिया है और 1 टीस्पून भर के मैंने ये लिया है अपना बटर, और मैंने अजवाइन ली है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट लिया है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं इसको बटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी वाइट फ्लावर में, और इसके बाद फिर नीम गर्म पानी से, लुक वार्म वाटर से मैं इसको डो को नीट कर लेती हूँ, और हल्का सा ऑयल लगा के अब मैं इसको 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। डो का काम अब ख़त्म हो गया है, यहाँ से फारिग हो गई हूँ मैं। अब मैंने 1/2 kg पोटैटो ले लिए हैं, इसमें 1 कप मैं
मटर को और कॉर्न को भी मैंने स्टीम करके आलू में मिक्स करके रख दिया था। बस मैं यहाँ पे इनको मैश्ड करूँगी और फिर इसके अंदर मसाले वगैरह भी डालूँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको कढ़ाई में कुक कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। यहाँ पे जी कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ मैं इसमें, साबुत ज़ीरा। और इसके अलावा मेरे पास फ्रोज़न रेड चिलीज़ हैं, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और फ्रोज़न ही मेरे पास अदरक है चॉप्ड, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अदरक ज़रूर डालिएगा, अदरक का बहुत मज़ा आता है समोसों के जो बैटर हम बनाते हैं ना उसमें बड़ा मज़ा आता है। मैं थोड़ा चटपटा मसाला बनाऊंगी क्योंकि समोसों के अंदर अगर आप फीका सा या माइल्ड मसाला डाल दें तो वो मज़ा नहीं आता, बहुत ही फीके फीके लगते हैं। तो मैं ज़रा चटपटा सा मसाला बनाती हूँ और हमारी फैमिली को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है जो मैंने खजूर और इमली की चटनी बनाई है। तो अक्सर संडे को जो है हम लोगों का यही होता है आफ्टरनून में, लाइक आफ्टरनून क्या शाम के 4 या 5 बज रहे हों तो हम लोग फिर समोसे और ये वाली सॉस ही खाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं अब सारे मसाले डाल रही हूँ। मैंने गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून जो है आमचूर का पाउडर है ड्राई रॉ मैंगो का, और इसके अलावा मैं यहाँ पे जी 1 टीस्पून जो है 1 टेबलस्पून के करीब क्रश्ड रेड चिली मैंने डाली है। और ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है, जब आप ये ड्राई मसालों को भूनते हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा अरोमा जो है आपके आलुओं के बैटर को मिल जाता है। 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है जिससे बड़ा ही खूबसूरत येलो कलर आ जाता है आलूओं के ऊपर। और बस अब मैं इसके सारा जो मैंने आप लोगों के सामने आलू और मटर और कॉर्न्स को जो मैश्ड किया था वो मैं अब कढ़ाई के अंदर डाल के ड्राई ही इनको भूनूंगी, पानी का इसमें कोई काम नहीं है, और ड्राई ही ये अच्छे से भून जाते हैं। और इतना ज़्यादा नहीं भूनना, बस 1-2 मिनट का ही काम है ये। और यहाँ पे मैं सॉरी करूँगी क्योंकि मेरा कैमरे का फोकस जो है ख़राब हुआ हुआ था, बाद में मैंने गौर किया कि जो है हाफ़ कढ़ाई मेरी कैमरे में आ रही है, बट चलो रेसिपी एटलीस्ट अच्छे से शूट हो गई, समझ तो आ रहा है कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अब सॉल्ट डाल दिया है, और यह है जी चाट मसाला, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून चाट मसाला। और इंशाल्लाह मैं आगे चाट मसाला और ये जो भी मसाले हैं इनकी रेसिपीज़ भी आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, अपने होममेड जो चीज़ें मैं बना के रखती हूँ। क्योंकि डब्बों के मसाले का ये होता है कि बेशक बहुत अच्छे होते हैं, हमारी लाइफ को उन्होंने बहुत आसान कर दिया है, बट सम टाइम ये होता है कि आप एक ही टिपिकल टेस्ट खा के भी ना बोर हो जाते हैं। तो बस उस पर्पज़ के लिए सोच के ना मैं नए बना के अपने मसाले भी ज़रूर रख लेती हूँ, तो मैं मिक्स एंड मैच फिर यूज़ करती हूँ। मैं डब्बे भी ज़रूर ख़रीदती हूँ, मेरे ज़्यादा फेवरेट मसाले जो हैं ना वो लजीज़ा के हैं, और जब भी वो मुझे आसानी से मिल जाते हैं तो मैं वो ले लेती हूँ, जितने भी फ्लेवर्स मुझे चाहिए होते हैं मैं सब फ्लेवर्स के ले लेती हूँ। और चले जी यहाँ पे डो रेडी है बिल्कुल, इसको 20 मिनट का रेस्ट मिल गया था, और अब मैं इसको हल्का सा नीट करके फिर इसके आपको डिफरेंट शेप्स के समोसे बनाना दिखाऊंगी। और जो भी शेप आप लोगों को पसंद हो, आपकी फैमिली को पसंद हो, बस उसी तरीके से आप शेप दे दें, वही जो आसानी से आप लोगों को आपसे बन जाती है, बस वो शेप आप दे के समोसे रेडी कर लें। क्योंकि मेन जो होता है वो समोसा का बीच का बैटर होता है, वो आपका मज़े का बनाओ ये डो आपकी अप टू मार्को, तो बस शेप आपका जो भी दिल करे आप अपनी शेप्स दे सकते हैं। मैं डिफरेंट शेप्स के समोसे बनाती हूँ अक्सर बच्चों को खुश करने के लिए भी, बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं। और अभी मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं क्या शेप बना रही हूँ, तो जब मैंने शेप बना के ट्रे में रख दिया था मैंने कहा खुद ही देखेंगे, तो फिर देखती हूँ उनकी एक्साइटमेंट, और वो इतना एक्साइटेड हो गए जब मैंने ये समोसे इस तरह के बना के अपने ट्रे में रखे, तो दोनों ने ही आके जो है ना चीखें मारी कि मम्मा फ़िश बना रही हैं, फ़िश बना रही हैं। उन लोगों को ये शेप बड़ी पसंद है। मैं डक्स भी बनाती हूँ आलूओं के बैटर से, तो
वो भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स के बच्चों को बहुत पसंद है। मैं अक्सर जो है जब हमारी वन डिश वगैरह होती थी तो मैं डकलिंग्स पोटैटो डकलिंग्स बना के जाती थी, तो वो बच्चों के लिए स्पेशली, तो वो बच्चे बड़ा खुश होते हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे कि ये क्या बनी हुई है, डक्स बनी हुई पड़ी हुई हैं, और उसी शौक में वो लोग उसको खा लेते थे। तो इंशाल्लाह वो भी रेसिपी आप लोगों से आगे शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी रमज़ान की ही पर्पज़ से सारी रेसिपीज़ बन रही हैं, और बस मैं यहाँ पर तेज़ी से समोसे बनाती जा रही हूँ। डिफरेंट शेप के मैं समोसे बनाऊंगी और जो है बड़ा बना के उनको फ्रीस्ट कर दूंगी। मुझे ये खुशी हो रही थी कि मेरे ये वाला काम भी आज ख़त्म हो जाएगा और समोसे भी मेरे बन के फ्रीस्ट हो गए थे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं एक दिन निकालूँ जिसमें मैं समोसे बना लूँ। और यहाँ पे मुझे एक घंटा तो किचन में लग चुका हुआ था, क्योंकि एक घंटा कहीं नहीं जाता जब आप समोसे वगैरह की रेसिपी, लेंदी रेसिपीज़ पे जब आप हाथ डाल लें तो फिर आपको पता होता है कि आपने एक घंटा इसको पूरा देना है। तो इसलिए मैं बच्चों को स्कूल से ला के फारिग हो के खाने से फिर मैंने ये रेसिपी स्टार्ट की थी। तो चलें जी, अब आप मेरी समोसों की डिफरेंट शेप्स देखें, इन्जॉय करें। यहाँ पे मैं बड़े समोसे बना रही हूँ, जो रेगुलर समोसे होते हैं कुछ मैं वो बना के रख रही हूँ, और डिफरेंट शेप्स में आज समोसों की दे रही हूँ, ताकि जिसको जो भी शेप पसंद है, जैसे बाइट साइज समोसे वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, इवन मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, वो कहते हैं कि अच्छा ये बाइट साइज के सब समोसे बेस्ट रहते हैं, इसमें ज़ाया नहीं होते, कुछ लोग आधा जो छोड़ देते हैं उससे ज़्यादा बेहतर शेप उनको बाइट साइज समोसों की लगती है। तो मैंने इसलिए फिर सोचा कि मैं डिफरेंट साइज़ के ही समोसे बना लेती हूँ। और ये शेप जो मैं अभी दे रही हूँ ये तो भाई सबसे अच्छी शेप है, जब आपको लंबे मारना है ना कोई काम तो स्पेशली समोसों को, तो वो ये वाली शेप सबसे बेस्ट है, सबसे क्विक और सबसे जल्दी जो है ना ये वाली शेप बनी है। और मैं अक्सर इस तरह की चिकन पैटीज बना के रखती थी, क्योंकि मुझे चिकन पैटीज़ की डो को बार बार रोल करना वो बहुत मुश्किल लगता था, तो मैं ऐसे चिकन पैटीज़ बना लेती थी। तो मैंने कहा चलो भाई अब जो है थोड़ा सा ही बैटर रह गया और डो भी बिल्कुल ये लास्ट ही डो रह गई थी, तो इसको अगर मैं कितना काटती रहूँगी तो ये कुछ ना कुछ थोड़ी सी बच जाएगी, तो बेहतर है कि फिर ज़ाया होने से बचाने के लिए ये वाली शेप सबसे बेस्ट है और सबसे क्विक जो है वो यही शेप थी। और मुझे बड़ा मज़ा आया इस शेप को बनाने में, रोल करने में। मैंने कहा चलो जी ठीक है, अब आज जो है मेरे समोसे बन के फ्रीज्ड हो गए हैं और अब समोसों की रेसिपी से भी मैं बिल्कुल फारिग हो चुकी हुई हूँ। अब इसके अलावा मेरी कुछ और रेसिपीज़ हैं रमज़ान की, जो कि हिट रेसिपीज़ हैं, जो कि मेरी फैमिली की स्पेशली फेवरेट है, मेरे फ्रेंड सर्कल जो है उनकी फेवरेट रेसिपीज़ हैं वो, तो वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको भी बनाती जाऊंगी और उसकी भी वीडियो शूट करती रहूंगी। और बस यहाँ पे जी फारिग हो गई हूँ मैं अपने समोसों की शेप से, और यहाँ पे मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि ये देखें अब ये सारे जा रहे हैं फ्रीज्ड में, और जब ये फ्रीज्ड हो जाएंगे तो इनको मैं जिप लॉक बैग में डाल के अपने फ्रोज़न जो ड्रॉअर मैंने बनाया हुआ है रमज़ान का, उसमें मैं ये ऐड ऑन कर दूँगी। और यहाँ पर जी मैं अब समोसों की रेसिपी से बिल्कुल फारिग हो चुकी हुई हूँ, और मुझे अब जो सौदा सर पर थोड़ा
बहुत लेकर आई हुई हूँ। मेरा मसाला का जो जार था वो डब्बा खाली हो गया है रेसिपीज बना बना के, तो उसको भी मुझे आगे आने वाली रेसिपीज के लिए बना के फिल करके रखना है, क्योंकि अगर ये खाली हो जाए, इसमें मसाले ही नहीं होंगे, तो फिर आपको रेसिपी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और मुझे होता है कि मैं जब किचन में आई हूँ तो मेरे ये वाले काम बिल्कुल रेडी हों और मैं फ़ौरन से रेसिपी बनाऊँ और फारिक हो जाऊँ, वरना सबसे पहले क्या है कि अगर आपको कुछ खाना बनाना है और आपका ये डब्बा खाली है तो इसको भरने का फिर आप सोचते रहते हो कि नहीं अभी नहीं, अभी फ़िलहाल मैं ये काम कर लूँ। तो आज मैं सारे कामों से फारिक हो गई थी, रमज़ान की रेसिपी भी रेडी हो गई थी मेरी, खाना भी रेडी हो गया था, मैंने स्वीट डिश भी बना ली थी, तो बस मैं फारिग थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो मैं मसाले लेकर आई हूँ, मेरा डब्बा भी खाली हो चुका हुआ है, तो आज मैं इसको फिल करके रख दूँ ताकि इंशाल्लाह कल सुबह जब मैंने नया दिन नई रेसिपीज के साथ स्टार्ट करूँ तो मेरा ये मसाला बॉक्स जो है बिल्कुल रेडी हो। तो बस ये साबुत काली मिर्चें भी मेरी ख़त्म हो गई, लाल मिर्चें, सूखा धनिया, वो तो खैर मैं फ़्रेश पीस के ही डालूंगी इसके अंदर। और देखिए नमक भी ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो चुका हुआ था, बस मैं जो हल्का सा नीचे रह चुका हुआ था उसी को रगड़ रगड़ के निकाल निकाल के मसाले यूज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आज का दिन बेस्ट है कि मैं ये वाला काम ख़त्म कर लूँ। होप्स आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हों, आप लोग इंजॉय कर रहे हो मेरी रमज़ान की रेसिपीज़। इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी। और होप्स हो कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन प्रेस कर दें, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन इंजॉय माई रेसिपीज़, इंजॉय माई वीडियोज़, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए दिन और एक नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। If I could lay down beside you, I would.